हमारा अपना संविधान हमसे आज कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं संविधान की आवाज। भारत भूमि की इस मिट्टी का कैसे करूं मैं रंग बयान, कभी हल्का केसरिया, कभी चटक हरा, कभी दूधिया सफेद सा। जहां विभिन्नता बसती वहां कण कण कहता भेद नया, मैं काशी का काला धागा, कभी जामा मस्जिद की पवित्र दीवारों सा। मैं संविधान जैसे भारत के हर बच्चे के जीवन का साया। भारत भूमि की इस मिट्टी का कैसे करूं मैं रंग बयां। भारतीय संविधान में प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम भारत के रहवासी हैं, मगर एक दुविधापूर्ण बात हो जाती है अगर भारत के संविधान से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हमें अच्छी तरह ज्ञात नहीं होती। आइए भारत के संविधान में लिखी प्रस्तावना के उन शब्दों को भली भांति जानते हैं जो भारत को अपनी पहचान दिलाते हैं। भारत माता की जय। संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें जो लिखा गया है उसमें तीन शब्दों पर विशेष फोकस किया गया है। ये तीन शब्द विशेष हमारे ध्यान में आए हैं, केंद्रित हैं, जिस पर पूरी संविधान की मूल अर्थ जिस पर निर्भर करता है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए एवं उसकी अखंडता के लिए कृत संकल्प हैं। यह मूल भावना है संविधान की। और उसमें तीन शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन सब तीन शब्दों को कि मैं व्याख्या कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 1976 में इन तीन शब्दों को 42 संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तीसरा शब्द था अखंडता, भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए विशेष अधिकारों को वितरण किया गया, केंद्र को मजबूत बनाया गया और राज्यों को कम शक्तियां दी गई। अधिकारों को वितरण को लेकर केंद्र को इतना मजबूत बनाया गया ताकि संघीय व्यवस्था एक मजबूती से कायम हो सके और राज्य और केंद्र के बीच में किसी प्रकार के विवाद न हो, और विवाद की स्थिति पैदा हो भी जाए तो उसमें केंद्र अपना प्रभुत्व कायम कर सके। इस प्रकार केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सौंपी गई। एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिकता रहेगी। एक ही संविधान की बात की गई है
और आपातकालीन शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। इस प्रकार ये अखंडता शब्द इन अधिकारों के कारण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में बड़ा कामयाब रहा है। संविधान हमारा की रक्षा करना और सब उसकी पालना करना हम सभी का दायित्व है। संविधान के में जो दिए अधिकार, एक तरफ संविधान में हमें अधिकार भी दिए गए हैं तो दूसरे हाथ से अधिकार ले भी लिए गए हैं। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। स्वर्ण मंदिर के बाहर लंगर, अपनापन जैसे सारनाथ स्थल, हर धर्म का मान सम्मान, मैं हवा जो छूता हिमालय अचल, बराबरी का अधिकार हूं, स्वचलित होने का मैं अभिमान, संविधान हूं घर घर बसता, मैं और मेरा प्यारा हिंदुस्तान। वो दौर अलग था जब शासन अंग्रेजी भारत छोड़ गया, लिया जन्म मैंने जब भारत की पलटनी थी काया, भारत भूमि की इस मिट्टी का कैसे करूं मैं रंग बयां, भारत भूमि की इस मिट्टी का कैसे करूं मैं रंग बयां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम।